नेताओं को कहना चाहूंगी जिन्होंने मेरा साथ कमल का फूल का साथ देने का काम किया है। यहाँ पर कई सरपंच आए हुए हैं, उनको भी मान सम्मान में, उनकी ग्रांट में, उनके हर एक तरीके से उनका कोई कमी नहीं आने दूंगी। दिल खोल कर आप आगे चलने का काम करें और दूसरे सरपंचों को भी कह देना कि ये बीजेपी की सरकार है, आपने जो अन्याय किया उसका भी आपने नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये है पूर्व राज्य मंत्री व भाजपा नेत्री कमलेश ढांडा, जिन्होंने कलायत में चुनाव हारने के बाद भरी मंच से भाजपा का साथ ना देने वाले सरपंचों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। चुनाव में हार के बाद कमलेश ढांडा ने आज अपने निवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी, जहां उन्होंने कहा कि जिन सरपंचों ने मेरा और भाजपा का चुनाव में साथ दिया है, मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, ग्रांट से लेकर कहीं भी कोई कमी नहीं आने दूंगी। मगर जिन सरपंचों ने कांग्रेस के बहकावे में आकर भाजपा का समर्थन नहीं किया, उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मेरा समर्थन मैं भी खुल कर उनका समर्थन करूंगा, उनके काम में ग्रांट में कोई कमी नहीं आने दूंगी। बहुत सारे सरपंच बैठे, बहुत सारे सरपंच उनको बकाया गया, तेरे को ग्रांट देंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी और भैया उठाए तो हम तो मालो माल हो जाओगे, इस तरह नहीं होने देंगे। बीजेपी है का नाम नहीं लेगी और मैं नहीं कर दिया बात, सारा हरियाणा का वही सरकार जल्दी है गोनी को कहना चाहूंगी जिन्होंने मेरा साथ कमल का फूल का साथ देने का काम किया है। यहाँ पर कई सरपंच आए हुए हैं, उनको भी मान सम्मान में, उनकी ग्रांट में, उनके हर एक तरीके से उनका कोई कमी नहीं आने दूंगी। दिल खोल कर आप आगे चलने का काम करें और दूसरे सरपंचों को भी कह देना कि ये बीजेपी की सरकार है, आपने जो अन्याय किया उसका भी आपने नतीजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद करती हूँ और आप हारे नहीं, आप जीते हो, आप हार कर भी जीते हो, क्योंकि आज आपकी सरकार है और मैं आपके साथ खड़ी हूँ। हम दिल खोल कर काम करेंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे, आपने डरने की जरूरत नहीं है। आप छाती चौड़ी कर कर गांव में, अपने गली में, अपने घर में, अपने गांव में बेदरक होकर। दरअसल कलायत सीट से बतौर भाजपा प्रत्याशी चुनाव लड़ रही कमलेश ढांडा चुनाव हार गयी। इस सीट पर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी के बेटे विकास सहारण ने चुनाव जीत लिया, जिसके बाद कमलेश ढांडा ने आज अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई थी और इसी बैठक में भाजपा का साथ ना देने वाले सरपंचों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई और साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को बिना डरे छाती चौड़ी करके चलने की बात भी कही गई। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।